सलाम अलैकुम। आज हम ये हरी मिर्ची का सालन बनाएंगे। ये हमारे पास देखिए ये मोटी हरी मिर्चियां हैं और सालन में देखिए ये हरी मिर्ची के मिर्चियों के सालन में ये मसाले जाएंगे। मसालों में हमारे पास तिल है, ये खोपरा है और थोड़े से हम इसमें काजू और बादाम भी लिए और ये फली है, धनिया है, राई और जीरा है और थोड़ी सी मेथी के थोड़े से मेथी के दाने हैं। ये हमारे मसाले हो गए। मैं ये प्याज भी जाएंगी इसमें, इसको भी हम थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। ये इमली का खट्टा है, इमली का पल्प जाएगा और इसका हम सालन हरी मिर्ची का बनाएंगे। और ये हरी मिर्ची का हम दरदरा पीस लेंगे पेस्ट इसका। ये हम हरी मिर्ची का सालन, ये मोटे मिर्चियां भी रहेंगे हमारे और सालन में ग्रेवी में हम ये हरी मिर्ची पीस के डालेंगे। अब हम ये मिर्चियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। बस हम ये निकाल लेंगे, अब हल्के से फ्राई कर लिया हमने, बस अब इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई में हमारा हम जो मिर्ची फ्राई कर रहे थे वही तेल है, उसमें हम थोड़ा इसमें थोड़ा सा और तेल शामिल करें हम एक चम्मच और ये राई और थोड़े से मेथी के दाने हैं देखिए हमारे पास, ये मिला के डाल दिए हम। और अब ये थोड़े करीब राई हमारी थोड़ा सा हम डाल दिए, इसको फ्राई हो गई राई। अब हम इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, दो चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए, दो चाय के चम्मच। और अब हम ये थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे और ये हरी मिर्ची का ये जो हम पीस के रखे थे दरदरा सा हरी मिर्ची, बस थोड़ी सी डालेंगे हम और मिर्ची पेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो गया। और हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी का पाउडर ये थोड़ा सा आधे चाय के चम्मच से भी थोड़ा सा कम है ये हल्दी पाउडर, बस ये भी डाल दिए हम। अब इसमें हम ये हमारे जो हम पीस के रखे थे मसाले बस ये डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हम, दिख रहा है ना, ये देखिए हमारे मसाले भून लिए हम और साइडों से तेल भी आ गया हमारा। और अब हम ये हमारे मिर्चियां शामिल कर देंगे इसमें, मिर्ची डाल दिए, थोड़ा सा मिक्स करके इसको खट्टा शामिल करेंगे इसमें। अब ये खट्टा डाल देंगे इसमें, ये खट्टा शामिल करेंगे, खट्टा हमारे अंदाज से लेंगे हम, मतलब कोई ज्यादा खट्टा खाना पसंद कर दे, कोई थोड़ा कम खट्टा खाना पसंद कर दे, तो वो हिसाब से हम इसमें खट्टा शामिल करेंगे। टेस्ट कर लेंगे हम, अगर है ज़रूरत तो हम थोड़ा सा बचा लिए ये पल इमली का, अगर है ज़रूरत तो डालेंगे, नहीं तो फिर बस। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक कम लग रहा हमको, करके डाल दिए इसमें, बस अब हम इसको निकाल लेंगे। हो गया हमारा सालन तैयार। चलिए अब हम सालन निकाल देंगे। ये सालन देखिए हमारे हैदराबादी खानों में बिरयानी के साथ कैसा भी बनाते हैं मिर्ची का सालन, तो ये देखिए ये सालन आप भी बनाइए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा ये सालन, मिर्ची का सालन ये। और देखिए मेरे रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे रेसिपीज़ को, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी लेके आएंगे हम। अल्लाह हाफिज़।